बिहार में होमगार्ड की बहाली जारी है। हालांकि कई जिलों में बहाली की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब वहां मैरिट लिस्ट निकालने की तैयारी हो रही है। किशनगंज में भी 6 जून को बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। हालांकि वहां बहाली के दौरान धांधली के आरोप लगे हैं। गुस्साए अभ्यर्थी अब न्याय मांगने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के पास पहुँच रहे हैं। जिले में असफल घोषित किए जाने से परेशान अभ्यर्थियों ने मंगलवार को डीएम व एसपी को एक आवेदन सौंपा है। दिए गए आवेदन के अनुसार अभ्यर्थी हेमानंद प्रसाद यादव ने होमगार्ड पद के लिए 11 वर्ष पूर्व आवेदन किया था। 4 जून को खगड़ा स्टेडियम में शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें वे परीक्षा स्थल पर ससमय उपस्थित हुए और दौड़ में भाग भी लिया और उत्तीर्ण भी हुए। इसके बाद अभ्यर्थी की ऊंचाई तथा सीना जांच के लिए काउंटर पर भेजा गया, जहां अभ्यर्थी की ऊंचाई मापने के बाद असफल घोषित करते हुए परीक्षा स्थल से बाहर निकाल दिया गया। दिए गए आवेदन के अनुसार सदर अस्पताल में ऊंचाई जांच कराने पर ऊंचाई 162 सेंटीमीटर पाया गया, जो विज्ञापन में अंकित ऊंचाई के अनुरूप है। अभ्यर्थी ने फिर से ऊंचाई जांच कराने की मांग की है। अभ्यर्थी ने कहा कि 1 से 11 साल के बाद परीक्षा ली गई, इसके बाद भी दौड़ में सफल हुए लेकिन नौकरी नहीं मिली। उन्होंने इसे अन्याय बताया है और मामले की जांच की मांग की है। बता दें कि किशनगंज में 3 जून से होमगार्ड पद पर बहाली के लिए आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा का सोमवार को समापन हो गया है। हालांकि सोमवार को ऊहापोह की स्थिति बनी रही। 4 जून की रात वर्षा के कारण ट्रैक पर पानी जमे रहने के कारण 5 को होने वाली दक्षता परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया था। पुनः सोमवार को परीक्षा की तिथि की घोषणा की गई थी, लेकिन 5 जून की देर रात मूसलाधार बारिश ने प्रशासनिक तैयारी पर पानी फेर दिया। सोमवार को दक्षता परीक्षा की अंतिम तिथि थी। अभ्यर्थी अहले सुबह से ही स्टेडियम के पास पहुंचने लगे। एक बार फिर ट्रैक पर पानी देख अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों के रुख को भांपते हुए प्रशासन ने भारी संख्या में स्टेडियम के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया। इधर स्टेडियम से पानी निकालने के लिए पंप सेट एवं जेसीबी का सहारा लेते हुए प्रशासन युद्ध स्तर पर जुट गया। ट्रैक पर बालू का छिड़काव कर दौड़ने लायक बनाया गया। इसके बाद डीएम के निर्देश पर एडीएम, एसडीएम एवं डीसीएलआर को ट्रैक का मुआयना कर रिपोर्ट देने को कहा गया। तकरीबन 1 बजे से अभ्यर्थियों का पंजीकरण कार्य शुरू हुआ। तब तक धूप भी निकल आया। सभी अभ्यर्थी अपनी बारी आने पर दक्षता परीक्षा में शामिल हुए। इस मौके पर डीएम श्रीकांत शास्त्री, एडीएम ब्रजेश कुमार, एसडीएम अमिताभ कुमार गुप्ता, एसडीपीओ अनवर जावेद अंसारी, एएसडीएम साकेत कुमार, बाल संरक्षण पदाधिकारी रजनीश तिवारी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। बता दें कि बिहार में 2009 और 2011 में ही बहाली निकाली गई थी, लेकिन करीब 11 सालों बाद जिले में 3 मई से होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है। 6 जून तक बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं इतने लंबे अंतराल के बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू होने की वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बहाली की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। इसके पीछे का क्या कारण है, ये तो सही से किसी को नहीं पता। अधिकारियों के मुताबिक अगर पद रिक्त रहता है तो जल्द ही फिर से बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे नए उम्मीदवार भी बहाली में भाग ले पाएंगे। बता दें कि 11 सालों के इंतजार के बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसका नजारा बहाली सेंटर पर भी देखने को मिला है। जिले में प्रखंडवार बहाली हुई। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आवेदन सुबह 5 बजे से ही रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच जाते थे। परीक्षा सेंटर पर अभ्यर्थियों के अलावा उनके अभिभावक भी मौजूद रहते थे। इस दौरान जो अभ्यर्थी सफल हो रहे थे उनके चेहरे पर मुस्कान दिख रही थी, वहीं असफल लोग मायूस होकर सेंटर से बाहर निकल रहे थे। कदाचार मुक्त एवं पारदर्शी परीक्षा संचालन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारी की गई थी। जांच परीक्षा को पारदर्शी बनाए रखने के लिए कई स्तर पर निगरानी की गई। सबसे पहले पूर्वाह्न सुबह 6 बजे से 8 बजे तक परीक्षार्थी का निबंधन एवं मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही थी। इसके बाद उन्हें शारीरिक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जा रही थी। बता दें कि जिले में 2009 और 2011 में होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया शुरू की गई थी। हालांकि बहाली की प्रक्रिया विभिन्न कारणों से टलती रही। इसी बीच अभ्यर्थियों की दूसरे जगह नौकरी लग गई या कई ने प्रैक्टिस ही छोड़ दी। हालांकि पिछले कुछ सालों से अभ्यर्थियों ने बहाली की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ दिया था, जिसके बाद कुछ महीने पहले दोनों ही सालों की एक साथ बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई थी। कई जिलों में बहाली की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहीं कई में अभी चल ही रही है। बताया जा रहा है कि सभी जिलों में बहाली की प्रक्रिया पूरी होने के बाद
के साथ ही सभी जिलों में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। ज्वाइनिंग के बाद जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान सेना के जवान अपनी निगरानी में जवानों को ट्रेन करेंगे। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।